दरभंगा में युवक का शव बरामद, पुल के नीचे में पानी में उपलाया था शव। ग्रामीणों की परी नजर, शव को निकाला गया बाहर, मृतक की नहीं हुई पहचान। सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में लालू, आरजेडी सुप्रीमो चाहते हैं तेजस्वी सड़क पर आंदोलन और जेल भरो अभियान चलाए। 27 सितंबर को भारत बंद में नहीं दिखे थे नेता प्रतिपक्ष। आठ पैर चार कान वाले बकरी के बच्चे का हुआ जन्म। भोजपुर में अजीबोगरीब बच्चे को देखने के लिए घर में जुटी लोगों की भीड़। बकरी पालक ने कहा, मेरे लिए यह तो शुभ है। पटना में मलाही पकड़ी में 4 घंटे बिगड़ा रहा माहौल। घायल दुकानदार की मौत के बाद सड़क जाम प्रदर्शन। मेट्रो के लिए अतिक्रमण हटाने में पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। 40 लाख लूट के आरोपी की मां बहन ने दे दी जान। आत्महत्या वाले घर में पुलिस ने देर रात की थी छापेमारी। सुसाइड नोट भी मिला। अब तक 3 आरोपियों के घर से 18 लाख बरामद। मुजफ्फरपुर में नशेड़ी पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। गांजा पीने के लिए रुपए नहीं दिया तो पति ने बांस व फट्टे से मारकर हाथ तोड़ा। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। कानपुर जा रही थी 8.92 लाख की विदेशी सुपारी। कस्टम डिपार्टमेंट से सूचना मिलते ही ट्रेन को डिटेन कर आरपीएफ ने की कार्रवाई। पटना जंक्शन पर जब्त किया गया सुपारी से भरा 30 बोरा। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के अंदर नवरात्रि से पहले वेतन देने का दिया निर्देश। अगस्त की मिलेगी सैलरी। अब 2 शिफ्ट में होगी स्कूलों में छुट्टी। दोनों शिफ्ट के बीच होगा 10 से 15 मिनट का अंतर। छुट्टी और लंच के दौरान भीड़ को रेगुलेट करने का आदेश। जल संरक्षण पर खर्च होंगे 10 करोड़। जमुई में 12 गांव बनेंगे ग्रीन विलेज। बड़े पैमाने पर होगा पौधारोपण। अफसरों को मंत्री रामसूरत राय का निर्देश। राजस्व भूमि सुधार मंत्री बोले, अफसरों को सही तरीके से कामकाज करना चाहिए, विभाग की भी छवि बढ़िया होगी। रामानंद सागर के रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के निधन पर दुखी है फैंस। कहा, दिव्य आत्मा को शांति मिले। नामांकन के बाद मुखिया गिरफ्तार। बगहा में नल जल योजना की राशि गबन के आरोप में 1.5 साल से फरार चल रहे थे, ब्लॉक कैंपस में पुलिस ने दबोचा। खनन अधिकारी संजय कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी। आर्य कुमार रोड और खेतान मार्केट में चल रही ईओयू की छापेमारी, बालू के अवैध खेल में शामिल थे। खगड़िया में फर्स्ट फेज में 21,000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली जलाने से पहले करना होगा बिल का भुगतान। स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू।